हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाषा पोखरना। स्वागत है आपका बीस फूड मैजिक में। तो आज की हमारी रेसिपी है गुलाब जामुन केक। त्योहारों पे हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं जिसमें है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको पसंद होता है, लेकिन इसमें हमें गुलाब जामुन बनाने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। यहाँ हम प्रीमिक्स यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इस केक को बनाने वाले हैं। टेस्ट वही आने वाला है, तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम वेट इंग्रेडिएंट बनाते हैं और उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं वेट इंग्रेडिएंट। यहाँ मैं ले रही हूँ कैस्टर शुगर, बारीक शुगर होती है वो ले लीजिए ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। एक कप के करीब ले लीजिए। और 1/4 कप आप वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इसमें गुलाब जल, एक चम्मच के करीब ले लीजिए। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी नेक्स्ट हम लेंगे 1.5 कप के करीब दूध लेंगे, जिसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। वार्म मिल्क है ये, ताकि इसमें चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ये देखिए, मिक्स करेंगे इसे भी। ये देखिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए ताकि शुगर इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है। चलिए इसे अभी रखते हैं हम साइड में। अब हम बनाते हैं वेट इंग्रेडिएंट। तो एक जार ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी यहाँ मैं बारीक सूजी ले रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल ले सकते हैं क्योंकि हम पीसने वाले हैं। वैसे भी 1.5 कप के करीब सूजी ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए आपकी चॉइस से, बादाम, काजू, पिस्ता डाल दीजिए। इसे आपको अच्छे से ग्राइंड करना है, पल्स मोड पे कीजिए। ये देखिए, परफेक्टली ग्राइंड हो चुका है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है ड्राई फ्रूट्स इसमें। चलिए अभी हम इसमें मिक्स करते हैं। तो एक बड़ा सा बोल ले लीजिए, मिक्सिंग बोल। इसे हम छान लेंगे ताकि अगर थोड़ा सा भी हमने पीसने में मोटा रह गया है तो अच्छे से आपका छन जाए। ये देखिए, इसे स्पैचुला से एक बार बैठा दीजिए कटानों को इस तरह से। छान लेंगे इसे भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे। यहाँ मैं ले रही हूँ गुलाब जामुन का प्रीमिक्स। यहाँ 1.5 कप के करीब मैंने गुलाब जामुन प्रीमिक्स लिया है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। यहाँ मैंने MTR का लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। चलिए अभी हम वेट इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करिए, अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये आपकी इसमें कोई लम्स नहीं रहे, अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो आप मिक्स कर लीजिए। चलिए इसमें डाल रही हूँ मैं कार्डियमन पाउडर, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। मिक्स करेंगे इसे भी। अभी हमने इसमें सूजी डाली है, तो सूजी थोड़ा सा फूलती भी है, तो आप इसे रेस्ट होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और हमारा वेट इंग्रेडिएंट हमें कितना और चाहिए वो बाद में हम डिसाइड करते हैं। तो ये देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी हो चुकी है केक के बैटर की।
चलिए अभी आप हमारे मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें भी आप केक बनाने वाले हैं। मैं इसमें बना रही हूँ, मैं इसे ग्रीस कर चुकी हूँ। अभी आपको ऐसा वाला मोल्ड चाहिए तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें हमारा बैटर डाल देते हैं। ये देखिए, इसे अच्छे से टैप करिए और आपको प्री हीटेड ओवन में आपको 180 डिग्री तक आपको उसे प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए, और इसे आपको बेक करना है 180 डिग्री पर 25 मिनट्स के लिए। जब तक हमारा बेक होता है तब तक हम गुलाब जामुन की चाशनी बना लेते हैं केक की। यहाँ मैं एक कप शुगर ले रही हूँ, नॉर्मल शुगर ले लीजिए, और आधा कप के करीब इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। थोड़ा सा डाल दीजिए केसर के धागे, गुलाब जल डाल दीजिए एक चम्मच के करीब, इलायची पाउडर डाल दीजिए, कार्डमम पाउडर डाल दीजिए अच्छे से, और दो बूंद के करीब इसमें डाल दीजिए आप लेमन जूस। अभी इसे आपको अच्छे से पकाना है ताकि आपका शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और हल्का सा इसमें थिकनेस आ जाए। ये देखिए, मैं इसे जूम करके बताती हूँ आपको ताकि आपको शुगर मेल्ट हुआ वह पता चले और उसको कितना गाढ़ा करना है वो भी समझ आ जाएगा। ये देखिए, शुगर प्रॉपरली डिसॉल्व हो चुकी है और ये देखिए इसके प्रॉपर बबल्स भी आने लगे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसे कम करके दिखाती हूँ गैस को, एकदम गाढ़ा नहीं है, हमें एक तार की उतनी नहीं गाढ़ी करनी है, बस आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा हमें करना है ताकि ये ठंडा होने के बाद हल्का सा और गाढ़ा हो जाएगा। चलिए इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। तब तक देखिए हमारा केक भी बेक हो चुका है। ये देखिए अभी परफेक्टली कुक हो चुका है, गोल्डन ब्राउन आप देख सकते हैं। अभी इसे आपको ठंडा होने देना है डिमोल्ड होने से पहले। ये देखिए परफेक्ट क्रिस्पी आया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसे डिमोल्ड करते हैं। अभी हमारा जो हमने चाशनी बनाई है आप इसके ऊपर डाल दीजिए। ये देखिए परफेक्टली कलर आया है और परफेक्ट गाढ़ा हुआ है हमारा चाशनी। इस तरह से इसमें डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सब जगह से आप इसे पोर करिए ताकि अच्छे से सब जगह इसमें पहुंच जाए। ये करने के बाद आपको इसे रेस्ट होने के लिए रखना है 10 मिनट ताकि अच्छे से चाशनी इसमें पी जाए। देखिए, चलिए अब देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ा था, चाशनी एकदम से अंदर चली गई है, अच्छे से हो चुकी है। अभी इसे आप पिस्ता के साथ अच्छे से गार्निश कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से थोड़े से रोज पेटल लगा दीजिए। बहुत ही परफेक्टली गुलाब जामुन केक हमारा रेडी है, आप देखिए इसे सर्व करते हैं। तो त्योहारों के मौके पे आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है केक का और साथ ही साथ गुलाब जामुन का। ये देखिए मैं इसे कट करके बताती हूँ। तो ये देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट बना हुआ केक, आप देख सकते हैं इसकी जाली पड़ी हुई, कितना सॉफ्ट जाली है इसकी। ये देखिए आप देख सकते हैं परफेक्टली कुक हुआ है, गोल्डन और अंदर से सॉफ्ट एकदम। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारी रेसिपी है, आपको पसंद आएगी रेसिपी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आई है या नहीं, आप भी बनाइएगा। और आपको अगर टिन चाहिए, मोल्ड चाहिए, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसे आपको ग्रीस करना है बस और इसे आप यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिक है। तो चलिए आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरी रेसिपी आती है ट्यूसडे एंड फ्राइडे 12:30 PM, ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।